हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आप टॉप 50 क्वेश्चन देख रहे हो, करंट अफेयर्स से है। अगर आपने करंट अफेयर्स पे अच्छे से तैयारी किया है तो आप समझ लीजिए आज आपको 35+ हर हाल में आना ही चाहिए। अगर 35+ नहीं आ रहा है तो आपको भी करंट अफेयर्स पे और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता ही है करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट रखता है हर एक एग्जाम के लिए, इसीलिए मैंने टॉप 50 क्वेश्चन को रखा है इस वीडियो में। आइए सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल कहता है, हाल ही में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? आपको मैं 1 या 2 सेकंड का टाइम दूंगा जवाब सोचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, नागालैंड। मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ पर? नागालैंड में रखी गई है। नंबर टू है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, राम माधव ने। और बता दूं इस बुक में ना इंडिया के बारे में अच्छा, मतलब इंडिया का जो अच्छाई रहा है उसके बारे में बताया गया है, राम माधव ने लिखा है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार सही जवाब है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन है? अरुण कुमार सिंह है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? किसने आर्टिका एम लॉन्च किया है? रूस हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, रूस ने क्या किया है, अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलोएक तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? बांग्लादेश सही जवाब होगा, बांग्लादेश को किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? वेलचेरू राव सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की? झारखंड आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड सरकार ने क्या किया है, हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा जो है उनको यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किस देश की है वो? रूस की है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, रूस की जो सुपर मॉडल है नतालिया वोडियानोवा इनको यूएन गुडविल एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया? चीन हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, चीन ने अपना लालटेन महोत्सव मनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यहाँ पे ना उपग्रह है फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, इसके लिए आर्कटिक निगरानी उपग्रह के बारे में है, किसे लॉन्च किसने लॉन्च किया है? रूस हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी जस्ट मनाया गया है 27 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? चीन हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, भारत और चीन के बीच क्या हुआ है, दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने की सहमति बनी और इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनता है? आपको बताना है कब मनाते हैं हम लोग। 28 फरवरी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आप अगर अभी तक प्ले लिस्ट में नहीं आए हैं तो एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों डेट भी बहुत अच्छे से करवा दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार
डॉक्टर सूर्य बाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्य बाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? झारखंड सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्या हुआ है देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है ना, उन्होंने खोज किया, क्या खोज किया, कहाँ पे किया, देखिए सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीला मिला है और उसके नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज हुई है। कहाँ पर? तो झारखंड में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? फ्रेंड्स यहाँ पे बाइडेन का स्पेलिंग गलत है, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस के पुरस्कार के लिए चुना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर जो रोक लगी थी उसे उसको हटा लिया है? शायद आप क्वेश्चन को देख के जरूर आप समझ गए होंगे किस देश के बारे में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रथम स्थान जो से प्राप्त हुआ है? अभी मैंने आपको बताया था ये सवाल, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने एक स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? बारह आपका सही जवाब है, 12 स्थलों को चुना है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये क्या करेंट अफेयर्स का आप जानते हो, हर एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट होता है। उत्तराखंड आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संस्थानों के वैज्ञानिकों ने एक समूह में किस राज्य में अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है? अल्पाइन पौधे का एक नया प्रजाति मिला है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली के फैसले को पलटते हुए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। होशंगाबाद का नया नाम क्या है, होने वाला है नर्मदापुरम, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? सऊदी अरब आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सऊदी अरब में क्या होगा कि महिलाओं को सशस्त्र बल में भी अब जाने का मौका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इथियोपिया आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन एकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? आपको पता होना चाहिए कौन होंगे, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने
मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 363 करोड़ सही जवाब होगा, याद रखने का। देखिए 3 6 3 हो जाएगा इस तरह से, 363 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? नोवाक जोकोविच सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कह रहा है कि कितने साल कर दिया है? बारह वर्ष सही जवाब हो जाएगा, 14 वर्ष से कितना 12 साल कर दिया गया है, पहले 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? श्रीलंका हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। धम्मिका प्रसाद कहाँ के? श्रीलंका से उन्होंने क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पेगोलिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पेगोलिन दिवस मनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? असम आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। असम में क्या हुआ है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना की शुरुआत पीएम ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कौन? नासा। नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? मंगल आपका सही जवाब होगा, मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई है किसने? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? डुप्लेसिस सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अजय माथुर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई? उड़ीसा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? छियासी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर कितना पे पहुंच गया है? 86वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय किया है? उड़ीसा आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टेराफ्यूजिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाले हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? अमेरिका आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका ने क्या किया है, टेराफ्यूजिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाला एक हाइब्रिड कार है, उसको क्या हुआ है, मंजूरी प्रदान कर दिया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया?
ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में निवेश, माफ कीजिएगा, विशेष सहायता नामित किया है? विशेष सहायक नामित किया आपको बताना है। प्रोनिता गुप्ता सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? पाकिस्तान सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाला पहला टीम का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ₹1.25 लाख पर मंथ, यानी 1.25 लाख प्रति माह के रूप में कर दिया गया है 45,000 से बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग में मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य के वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश के क्या किया है, मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर जो पहनता था उस पर रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बन गया है? विजयनगर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बन गया है? विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल होगा, फ्रेंड्स माफ कीजिएगा सोनेवालो लिखा हुआ है यहाँ पे, सोनेवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? हिमा दास को, ऑप्शन नंबर ए, हिमा दास को डीएसपी के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है। कहाँ के? असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स अभी आपने टॉप, फ्रेंड्स यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, माफ कीजिएगा इसके लिए, 49 नंबर क्वेश्चन यानी कि 49 क्वेश्चन ही अभी तक आपने देखा। आशा करता हूँ 35+ आपका मार्क्स जरूर आया होगा, अगर आपने करंट अफेयर्स पे अच्छे से तैयारी किया होगा तो। अगर नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको और तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि आप पता है हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 50-50 क्वेश्चन करके हर 2 से 4 दिन पर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा करंट अफेयर्स का, जो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कुछ सजेशन देना होगा तो वो भी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करूंगा उसे भी अमल में लाने की। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।